एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, रुपयों का भंडारा फिल्म ट्रिपल आर, क्या है फिल्म का सोशल इम्पैक्ट, कितनी प्रॉपर्टी है जूनियर एनटीआर की, क्या कर सकते हैं जूनियर एनटीआर। राजा मौले के फिल्म ट्रिपल आर अभी भी लोगों की जुबान में बसी हुई है। वैसे तो फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी, पर फिर भी देश की आजादी की कहानी से भारतीयों को वापस जगा दिया था और फिल्म को शायद फिल्माया अच्छे तरीके से गया था, जिसे पूरे 3 घंटे की फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा और फिल्म को ऐसे बनाया गया कि फिल्म के आखिरी तक फिल्म की कहानी दर्शक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए इंटरेस्ट आखिरी तक बना रहा। अब वैसे तो फिल्म के सीक्वल की काफी चर्चा हो रही है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूवी ट्रिपल आर ने इंडियन सोसाइटी के लिए क्या मैसेज दिया है, जिसे सोसाइटी में कुछ बदलाव आ सके और फिल्म से हमें क्या सीखने मिला था। फिल्म से हमें इंडिविजुअल इम्पैक्ट के बारे में समझ आया है और कि यदि हमें किसी चीज में बदलाव चाहिए तो उसके लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा और अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मूवी में अजय ने ब्रिटिशर्स की नौकरी करते हुए इस चीज को महसूस किया तो उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग अपने गांव में शुरू करके अपने जैसे और लोगों को जोड़ना चाहा, पर राम अकेले ही संग्राम में आगे बढ़ते गए, पर भीमा ने लोगों को एकजुट करने के लिए राम का भरपूर साथ दिया। हाँ, फिल्म में राम यदि अकेले ही आगे बढ़ते तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, पर राम नहीं होते तो इस संग्राम की शुरुआत भी नहीं होती। यदि राम और भीमा जैसे लोग हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद आज भी हम गुलामी की जिंदगी में जी रहे होते। वैसे यदि आज के समय हमें कुछ बदलना है तो उसके लिए एकजुट होना काफी जरूरी है, पर उसे शुरू करने के लिए आज भी हमें एक रामा और भीमा जैसे आदमियों की आवश्यकता है। अब बात करें फिल्म ट्रिपल आर के हीरो जूनियर एनटीआर की, तो वैसे तो वो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं और काफी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो अपनी हर फिल्म में 20 से 25 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं, पर फिल्म ट्रिपल आर के लिए तो उन्होंने 45 करोड़ तक चार्ज कर लिया था। उनकी अब तक की संपत्ति की बात करें तो उनकी अब तक की संपत्ति लगभग 550 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपनी शादी में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वैसे फिल्म ट्रिपल आर में एक बार फिर जूनियर एनटीआर इसका हिस्सा होंगे, पर फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद यह तो पक्का ही है कि वो अपनी फीस को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।